आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ संदीप हाँ संदीप आज फर्स्ट ऋषभ सिंह हेलो आवाज सही है आई गेस अमित सैनी साइट सॉर्स ट्रेकिंग नॉलेज नीता रायकर वन का चैलेंज विद ज़ीरो वीडियो फर्स्ट अच्छा एस के रहमान पोस्टेड पोस्टेड गरीली पंसूरिया निकुंज अनबॉक्सिंग मोबाइल वैभव राघव उसके बाद सरोज कुमार सैलेज, राजेश कुमार निखिल मंडल गौरव कुमार गौरव उसके बाद नीरज महातो लेमन ठाकुर अमन Uh, रियाज आनंद पांड्या प्रिंसेस परी हितेश टेक्निकल आवेश अभिमन्यु सिंह राजपूत हसन सिद्दीकी बाउंसर वाईटी प्रवीण किसकुनेगी अभि सिंह गोल्डन एंटरप्राइजेस रविशंकर सौभाग्य सिंह अच्छा ऑलवेज हैप्पी अमित प्रधान अमित भाई आज ऑफिस आई I मीन mean, छुट्टी हो गई आपके पेरी पेरी लड़े बस वैसे कश्मीर से कितने लोग हो जिन लोगों को गाना वाना पसंद है मतलब गाना वाना सुनना पसंद है बाबर मुदासर को सुना है कभी बाबर मुदासर का जो है कोलकाता में एक शो हुआ था वहां पे एक गाना गाया था उन्होंने जो कि काफी वायरल हुआ है एक बार सुन लेना बहुत बढ़िया लगेगा येलो एक चलो चैनल पे थोड़ा सा शेयर वेयर कर देते हैं लोगों को आना होगा आ जाएंगे इंस्ट, दादा इंस्टा पर मैसेज किया देखा क्या रात को आपका तो मैसेज मोस्टली मैं देख ही लेता हूं शायद मैं फिर भी फिर भी चेक कर लूंगा टेक्नो रावत जय श्री कृष्ण अमित सहनी अच्छा आ, कपिल शर्मा नमस्ते ऑलवेज हैप्पी टीम कैसे होगा आज बताते हैं भाई आज वैसे मुंबई से कितने लोग हो जो कि आज आई I मीन mean, मुंबई से जितने लोग हैं आई नो कि आप लोग जीत के बारे में नहीं सोच रहे हो आप लोगों को आज किसी की लेनी है वो भी पता है अरविंद कुमार रोहित फिर से कैप्टन मुंबई का कब मतलब कब हुआ ये हिरम भ सर हिरमम भ भर थैंक यू फॉर सुपर चैट फोर्टी थैंक यू फॉर सपोर्टिंग द चैनल अरे नहीं यार ओह अच्छा हाँ आज तो फर्स्ट अप्रैल है सही है आज तो फर्स्ट अप्रैल है याद नहीं था जिनको आना है आ जाओ जल्दी जल्दी से जिनका जो है दादा टीडीएस के बारे में कुछ बताइए बता देते हैं तब तक देखो कुछ लोगों का के अकाउंट से जो है पैसा डिडक्ट हो चुका है जैसे शैलेश जीवानी भाई इन्होंने करोड़ों जीतने के बाद कुछ पैसा रखा था अपने वॉलेट पे अपने वॉलेट में कुछ पैसा रखा था तो आज सुबह उनको थोड़ा सा झटका लगा कि उनका कुछ पैसा डिडक्ट क्यों हो गया बात यह है हर फिनेंशियल ईयर फिनेंशियल ईयर जो है फर्स्ट अप्रैल से स्टार्ट होता है मतलब इस साल का ये जो नया फिनेंशियल ईयर है ये आज से शुरू हो रहा है ये मतलब हिसाब रहेगा थर्टी फर्स्ट मार्च टू 2025 तक ठीक है तो क्या हुआ था लास्ट ईयर का मतलब 2023 1 फर्स्ट अप्रैल से 2024 हजार मार्च तक आपने जितनी विनिंग करी है आपका ओवरऑल प्रॉफिट के ऊपर जो है 30 परसेंट टी लगने वाला है अब बहुत सारे लोगों का कहना है क्या हम लोग ये पैसा रिफंड ले पाएंगे देखो पहले की बात अलग थी अब की बात अलग है अब यह पैसा आप रिफंड नहीं ले पाओगे आपका अगर ओवरऑल जो भी प्रॉफिट है उसके ऊपर आपको थर्टी परसेंट टी डी एस जो है वो देना पड़ेगा गवर्नमेंट नॉम है ठीक है अब जाके आ, बात यह है कि वहाँ पे आपको थर्टी परसेंट टी डी एस देना पड़ेगा अब कल तक जिन लोगों ने विदड्रॉ नहीं किया था क्योंकि ड्रीम पे ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि करोड़ों पैसा रुपया वहाँ पर रखते हैं उनका भी थर्टी परसेंट डिडक्ट हो के जो बाकी का अमाउंट है वो यहाँ पे आ गया अब उनका जो है आई मीन I mean, फिर से उन लोगों का जो है ऑलमोस्ट ज़ीरो से स्टार्ट होगा मतलब अब ज़ीरो के ऊपर शायद दस हज़ार रुपये का कुछ छूट है दस हज़ार रुपये तक अगर फिनंशियल ईयर में आप विड्रॉ करोगे टोटल तो वहाँ पे शायद टी नहीं लगेगा लेकिन दस हज़ार रुपये के ऊपर जितना भी आप लगाओगे एक रुपया ही सही तो वहाँ पे आपका जो है थर्टी परसेंट टी जो है डिडक्ट हो जाएगा आप अगर पूरा साल विदड्रॉ करते हो टी डिडक्ट होता रहता है एट द एंड ऑफ द ईयर वो जो है पूरा जो है कैलकुलेट होके आ जाता है बट अगर आपने विदड्रॉ नहीं किया एक बार भी जो तो तो आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा ओवरऑल प्रॉफिट के ऊपर आपका थर्टी परसेंट टी कट जाएगा ड्रीम इलेवन ख़ुद से जमा करेगी वो पैसा अब जाके कुछ लोग रहस्य मंथन दादा आपके जैसे एनालिसिस कैसे करें बताओ देखो बहुत तो आपको एनालिसिस आपका जो है क्या बताए मेरा जो गेम है स्टैट बेस्ड गेम है ठीक है मैं स्टैट के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ नंबर वन एंड उसके साथ जो है मैं आ, आ, मैच कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता हूँ मैच मा, कंडीशन माने ये मान लो सपोज सपोज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ओपनर चेज कर देंगे लेकिन सेकंड राउंड बैट्समैन का जो है <laughs> फैंटेसी क्रिकेट पिकअप समझ में आ रहा है लोग आतंकवादी क्यों बनते हैं अरे नहीं उन लोगों का अलग है लोग चोर क्यों बनते हैं ये बताओ ये आपको अब आप, आपको पता चल जाएगा कि हर एक जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी है इन सब का जो है एक ट्रस्ट होता है एन होता है ठीक है वो एन का म, मतलब यह है कि उन लोगों को पैसा चोरी करना पड़ता है हर एक पॉलिटिशियन का जो है एक फॉर्म हाउस होता है ठीक है तो एन और फॉर्म हाउस वाले ठीक है जो कि ज़्यादा काम नहीं करते उन लोगों की बात कर रहा हूँ और जो दिखावे के लिए करते हैं उनकी बात की ही कर रहा हूँ वो लोग टैक्स चोरी करने के लिए ही ये सब कुछ बनाते हैं ये लोगों को बुरा लगेगा बट दिस इज रियल फैक्ट ठीक है इंडिया में ट्रस्ट या एन बनाया गया है टैक्स चोरी करने के लिए एंड ये जो फॉर्म हाउस वगैरह है ये भी यहाँ पे बहुत कुछ सीए वगैरह होगा तो वो मेरे को बताओ कि सही बोल रहा हूँ या गलत ठीक है उसने टी डी सर्टिफिकेट मांग सकते हो देखो टीडीएस सर्टिफिकेट तो आप आपको ड्रीम इलेवन खुद ही आप लोगों को जो है भेज देगी लेकिन फिर भी अगर आपका कोई आ, अकाउंट देखता है तो उससे पूछो उनको पता चल जाएगा कि ड्रीम इलेवन जब भी आपका आपके बिहार में टीडीएस जो है जमा करती है तो वहां पर दिखा देता है दा, 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 सिर्फ मेगा लीग एक टीम से खेलने से कभी जीत सकते हैं क्या हाँ जरूर एक सिंगल टीम से कल एक भाई का 54 रैंक आया था उन्होंने मेरे को भेजा था मेगा में तो फिफ्टी फोर मतलब समझ ही सकते हो बहुत ही क्लोज आया था ठीक है मैंने बहुत बार जीता है सिंगल टीम से ड्रीम इलेवन खुद आपको भेज देगी डोंट वरी ड्रीम इलेवन आपको खुद भेज देगी अगर वो ड्रीम इलेवन वाले नहीं भेजते हैं आप एक मेल कर देना तो वो लोग भेज देते हैं ठीक है एंड घनश्याम कल बोलर नहीं बेटा पे दादा बाकी फुल कॉम्बिनेशन बेस्ड थैंक यू कल बोलर भी बैठा था मेरा मतलब एस के रहमान थैंक यू फॉर सुपर चैट फोर्टी एस के एस के रहमान थैंक यू फॉर सुपर चैट फोर्टी थैंक यू फॉर सपोर्टिंग द चैनल ऋतिक सिंह का कहना है मैंने 2023 दिसंबर में 4500 विन किया था सुपर स्मैश में टी डी एस डिडक्शन हुआ था सत्रह सौ बहत्तर देखो हर क्वार्टर में ड्रीम इलेवन जो है जो हमसे टी डी एस डिडक्ट करके रखती है वो सबमिट करते हैं सिर्फ लास्ट क्वार्टर का बाकी है लास्ट क्वार्टर का बाकी है वही वाला जो है वो uh, जो है एडजस्ट uh, होगा बाकी कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा फैंटेसी क्रिकेट हुई बिल्कुल सही बात है दादा मेरे पापा ने भी सेम चीज़ बोला था ये लोग एन सब टैक्स बचाने के लिए ही खोलते हैं हाँ तो और हम हम लोगों को लगता है कि कोई आ, मतलब सुपरस्टार कोई कपूर खान ये लोग करते हैं वो लोग ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं एक बंगाली में एक एक बंगाली में ना क्रोकोडाइल का एक एक कहन, कहानी है क्रोकोडाइल की एक कहानी है मतलब क्रो, क्रोकोडाइल को हम लोग कुमीर छाना बोलते हैं ठीक है वो सीन है यहाँ पे मतलब वहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी वहाँ पे बारह जो है क्रोकोडाइल था किसी के पास रख के आया आया मतलब क्रोकोडाइल के माता ने रखने के बाद वो हर महीने देखने जाती थी ठीक है तो और किसके पास रखा था एक एक आई I मीन mean, क्या कहते हैं उसे फॉक्स के पास फॉक्स का हिंदी क्या है और फॉक्स हर रोज एक एक करके क्रोकोडाइल हर महीने एक एक करके क्रोकोडाइल खा जा रहा था ठीक है तो हर महीने जब वो आ, माता क्रोकोडाइल जाती थी तो उनको एक क्रोकोडाइल दिखाया जाता था बार बार एक ही क्रोकोडाइल को दिखाया जाता था तो ये कुछ वैसा ही चीज है ठीक है यहाँ पे सुभजीत राजे दादा मैं एक मंथ में दो सौ तीन सौ रुपये विदड्रॉ करता हूं तो मेरा कितना टी लगेगा देखो जब भी आपका टोटल विड्रॉयल अमाउंट या जो मतलब प्रॉफिट का जो पैसा है वो दस हज़ार के ऊपर होगा उसके ऊपर जो है आपका टी करेगा क्या आज मधवल टीम में आ सकता है देखो मधवल मधवल का टीम में आना थोड़ा सा टफ है अगर आता है तो वो जो जिस मैच में मधवल को विकेट मिला था वो अलग सेनरियो था उस मैच का इस मैच का सेनरियो बिल्कुल अलग है अरे वो आ, <laughs> होता है ये भाई मल्टी लिंगुअल मंदे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कभी 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 वो हिंदी इंग्लिश बंगाली मोड में स्विच करना पड़ता है जैकलिन फर्नांडेज का काम ही अलग है भाई पंसुरिया सौ यहाँ निकोन्ज दादा फार्मिंग इनकम जीरो टैक्स लगता है विनोद माइती स्वागत है आपका विश्वजीत अधिकारी दादा हमारे लास्ट ईयर जान तो वन पॉइंट फाइव लग मीनिंग छिलो विड्रॉ टाइम है टी डी एस कटे चलो सर टी एस रिटर्न देखो जिन लोग जो लोग टी डी एस के बारे में पूछ रहे हो आपको क्लियरली बता दे ठीक है अगर आपका ओवरऑल प्रॉफिट के ऊपर थर्टी परसेंट कटा है वो पैसा रिफंड लेना जो है इलीगल है जो वो पैसा रिफंड लेना इलीगल है आप मानो या ना मानो दुखता है मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है लास्ट तीन चार साल से मेरे साथ ऐसा हो रहा है जब से थर्टी परसेंट ब्रैकेट पे आया हूँ ठीक है उसके पहले उतना टैक्स नहीं लगता था बहुत ज़्यादा दुख नहीं होता था अब जाके जो है दुख होता है ठीक है बहुत ज़्यादा दुख होता है ये जो जितने भी लोग जो टैक्स चोरी करते हैं तब जाके इनके लिए जो हमारे मन में जो है थोड़ा सा वो इमोशन जाग जाता है कि शायद ये लोग सही कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो कि यंग बंदे हैं उनको जब ये पहले नहीं कमाते थे अब जब कमाने लगे हैं थर्टी परसेंट जब देना पड़ता है तो बुरा लगता है लगता है कि थोड़ा अगर मिल जाए तो अच्छा ही है क्योंकि रिस्क हम हमारे पैसों से ले रहे ले रहे हैं अब ये अगर गेम ऑफ़ स्किल है यह अगर गेम ऑफ स्किल है तो आपका जो है थर्टी परसेंट फ्लैट नहीं होना चाहिए चलो हमारा तो चलो सही है हम हम लोग थर्टी परसेंट दे देंगे ठीक है थर्टी परसेंट देने के बाद भी हमारे पास अच्छा खासा अमाउंट रह जाएगा लेकिन जो बंदा पूरे हर महीने दस हज़ार पंद्रह हज़ार कमाता है फैंटेसी से उसी से उसका पॉकेट मनी या बाकी खर्चे निकालता है स्किल्ड प्लेयर है सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों की है ठीक है जो लोग इवन जो लोग चार पाँच हज़ार रुपये कमाते हैं उनको भी थर्टी परसेंट देना पड़ेगा तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम है कृति दादा मेगा जीएल में एक लाख से तीन लाख के बीच में रैंक आता है मेरी गलती कहाँ होती है जो देखो आप अगर टॉप टॉप रैंक पे आना चाहते हो तो आपको कुछ ऐसा रिस्क लेना पड़ेगा जो कि बैकफायर कर सकता है आप कल की बात ले लो कल सबको लगा सी एस के फेवरेट है मैं शायद अकेला बंदा था जिसने आप लोगों को कहा था कि आज सी के हार सकती है ठीक है अगर कल बाई चांसली सी जीत जाती मेरे को मतलब भर भर के गाली पड़ती जो भी लोग अच्छे अच्छे कमेंट किए थे वही लोग मेरे को गाली देने आ जाते थे नंबर वन नंबर टू यह है कि मेरी हर एक टीम जो है विनिंग जोन से बाहर होती क्योंकि मैंने इस प्रकार का रिस्क लेकर रखा था जो कि मेरे नज़र में वो स्ट्रैटेजिकल रिस्क था ठीक है अब जाके अगर वो रिस्क बैकफायर करता अगर रचिन रविंद्र अगर सिर्फ पैंतीस पॉइंट भी दे देता तो उतना बढ़िया रैंक नहीं आता ठीक है क्रिकेट अब आप फुल टाइम ड्रीम इलेवन पे खेलता हो नहीं भाई अगर फुल टाइम खेलता तो फुल टाइम मतलब दिन में चार चार वीडियो बना देता भाई अच्छा वैसे मुंबई से कितने लोग हो दादा आज मैं भी नहीं खेलूंगा नहीं 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 आप खेलो खेलो बट शैलेश भाई देखो मैं ना लक में भरोसा नहीं करता टाइमिंग पे भरोसा करता हूँ ठीक है टाइम या टाइमिंग जो भी करो आपका टाइम सही चल रहा है आप इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे हो जीतने के बाद वो प्रॉब्लम है आई ठीक है आईपीएल में जो है आईपीएल में अलग सीन है भाई आईपीएल में आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आई नो आपके पास अभी इन्वेस्टमेंट का पैसा है इसीलिए कर रहे हो लेकिन फिर भी उतना नहीं करना चाहिए आप फर्स्ट टाइम जब जीते थे उस वक्त जैसे आपने जो है खेला था उसके बाद भी आप जैसे खेल रहे थे वैसे खेलो सेकंड टाइम जीतने के बाद जैसे खेल रहे हो वो शायद सही नहीं है दादा आपके से कल फर्स्ट रैंक वन ट्वेंटी फाइव वाले कॉन्टेस्ट में क्या बात है जितेंद्र वर्मा कॉन्ग्रेचुलेषन भाई दीपक सैनि भाई शुरू नहीं हुआ नॉर्मल टीडीएस की बात हो रही है टीडीएस के बारे में और किसी का कोई सवाल है मैं बार बार कह रहा हूं अगर मान लो कि आपने आ, फेबरवरी या मार्च में जीता है वहाँ पे आपका टी डिडक्ट हुआ है उसके बाद आपका आपका जो है ओवरऑल लॉस में चल रहे हो उस कंडीशन में जब ड्रीम इलेवन ने अभी तक टी जमा नहीं किया उस कंडीशन में आपका जो है थोड़ा बहुत जो है रिफंड मिल सकता है और ड्रीम इलेवन वॉलेट पे, बाकी आपको नहीं मिलेगा जो लोग पहले क्वार्टर में जिनका ऑलरेडी टी जमा हो गया था उनका नहीं होगा ठीक है दादा पॉलिटिक्स पूरा इंडिया का नौजवान को गर, 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 गर ऐसा चला गया टी डी एस शैलेश भाई आप खेलो ही मत अब इतना पैसा तो बना लिया आपने भाई गुजराती भाऊ है ठीक है शैलेश भाई गुजराती है नहीं दादा कल मैं लास्ट मैच समझकर इन्वेस्ट किया था आईपीएल में अच्छा कल आपका बढ़िया रैंक आया तो जिन्होंने लाइक नहीं ठोका प्लीज लाइक ठोक थो, ठोक दो दादा कौन से जॉब में हो मैं पढ़ाता हूँ भाई एक मैनेजमेंट कॉलेज में बीसीए डिपार्टमेंट का एच हूं हूँ फिलहाल बट एच पोस्ट छोड़ना चाहता हूँ साला ओनर जो है सा मेरे ओनर आई होप सुन नहीं रहे हैं बोल रहे हैं कि आप ही रहो दादा बुमराह कैप्टन जसवाल को वाइस कैप्टन कैपन है। बताते हैं भाई बताते हैं और कोई टी को लेके जिन्होंने लाइक नहीं ठोका ठोक दो अपने दोस्तों को भी ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट दिखा दो जो कि टी रिलेटेड क्वेश्चन जिनके पास है थर्टी परसेंट टी डी एस कैटेनिक ड्रीम इलेवन सुधे एक करोड़ हमकें दिए दी देखो अनिवास लाइव का कहना है कि उनका जो है थर्टी परसेंट काट ले बट एक करोड़ दे दे फ्रैंकली स्पीकिंग जिस दिन एक करोड़ जीतोगे और जिस दिन थर्टी परसेंट टी कटेगा ना थर्टी लैक्स जिस दिन कटेगा उस दिन बहुत दुख होगा बहुत ही दुख होगा उस दिन लगेगा सला अपना पैसा है हम खुद रिस्क ले रहे हैं जीतने के बाद सला वो पैसा जा रहा है देखो फैंटासी में फ्लैट ट्वेंटी परसेंट फिफ्टीन फिफ्टीन से ट्वेंटी परसेंट करना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर रिस्क हम हम ही लोग ले रहे हैं फ्लैट वो कर देते या टैक्स के हिसाब से कर देते स्लैब के हिसाब से कर देते मैं पुणे से हूँ सौरभ भाई मैंने फर्स्ट जैंड से लगभग पचास का विदड्रॉ किया था टी तो बस एक बार मेरा कट हुआ थर्टी के कुछ उसके बाद कभी नहीं हुआ तो अब टी कटेगा या फिर जो हु, आ, हुआ है हो गया जो हुआ है हो गया आज से नया आज से नया खाता है भाई ठीक है आज से आप जब भी विड्रॉ करोगे अगर वो अमाउंट दस हज़ार मतलब दस हज़ार मतलब क्या है एक मिनट हाँ तो वो जो दस हज़ार है वो आपका टोटल प्रॉफिट दस हज़ार के ऊपर जब भी हो जाएगा उसके ऊपर टी डी एस थर्टी परसेंट फ्लैट आपको देना ही पड़ेगा एंड जो हिसाब कल रात तक होना था हो गया थर्टी फर्स्ट मार्च तक जो हिसाब होना था हो गया आज जो होगा आज से आपका नया खाता खुला है यह मान के चलो विकास मिस्टर हायद दादा आपके वीडियो से बहुत कुछ सीखने लगा हूँ थैंक यू भाई ठीक <coughs> है आई नो आई नो मैथ रिलेटेड आप बा, बोल रहे हो मैथ से ज़्यादा आई गेस की लोगों का जो है आज टी के बारे में जो है क्वेश्चन है मैथ्स तो बता देंगे स्टैट तो नहीं डिस्कस करेंगे डायरेक्टली कॉम्बिनेशन के ऊपर डिफरेंट कॉम्बिनेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आई गेस नहीं लगेगा तो डोंट वरी एंड जो लोग अगर अभी भी मैं बार बार कह रहा हूँ जो लोग ये ये आ, पूछ रहे हो कि टी रिफंड लेना है रिफंड लेना है टी रिफंड के बारे में नॉर्मली जिनका जो है तीन से दस लाख के बीच में जो जिन्होंने विन करा है वही लोग सोच रहे हैं ठीक है क्योंकि उनको वो अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा चुपता है तो ये जो टी रिफंड लेना कोई भी लीगल लीगली आप नहीं ले सकते और सी जो होते हैं वो लोग थोड़ा बहुत रिफंड करवा देते हैं बट उसके ऊपर जो है आपका फाइन लग सकता है पहले की बात अलग थी अब की बात अलग है पहले उस हिसाब से कोई आ, मतलब रूल उस हिसाब से या लॉ उस हिसाब से नहीं था बट अब है लास्ट जो बजट हुआ था बजट में फैंटासी का फैंटासी के ऊपर फ्लैट थर्टी परसेंट वहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है ठीक है तो थर्टी परसेंट फ्लैट आपको देना पड़ेगा चाहे आप एक लाख आप प्रॉफिट में हो या आप एक करोड़ प्रॉफिट में हो दादा मेरा इस आई में हार रहा हूँ हर में और हाँ अगर ये मतलब यही है कुछ कुछ सीए है जो कि आपको बोलेंगे रिफंड करवा देंगे बट आपके ऊपर फाइन लग सकता है लखविंदर कुमार हेलो सर मैं और मैं बहुत टाइम से सा साइलेंटली फॉलो कर रहा हूँ आपको कल मैच के प्रेडिक्शन के बाद बोलना पड़ रहा है दैट योर प्रेडिक्शन इज ऑसम थैंक यू भाई थैंक यू वलंद अक्षर ड्रीम इलेवन पर दस पंद्रह कॉन्टेस्ट खेले उससे कुल करोड़पति बन रहे हैं हम कितनी मेहनत करते हैं बट नहीं बन पाते हैं रीज़न रीज़न कुछ नहीं है देखो जो लोग मैं, मैं मैं तो ये कहूँगा आपको ठीक है ज़्यादातर लोग जो है एक या दो टीम से जो जीतते हैं वो सही है वो एक दो टीम में जो रिस्क ले लेते हैं हम लोग नहीं ले पाएंगे ठीक है और पूरा मतलब एक करोड़ का जो कॉन्टेस्ट है वो टोटल कंप्लीटली जो है वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है एनालिसिस स्टैट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कभी कभी जो है हाई हाई रिस्क जो है हम, वो लोग ले लेते हैं अब दो टीम के ऊपर जो आप ले पाओगे अब बीस टीम के ऊपर वो अगर लोगे और दो चार बार जो है आई uh, मीन uh, I mean, आप अगर uh, दो चार बार जो है आप अगर हारोगे तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा लेकिन जो बंदा दो टीम से हार रहा है उसका कॉन्फिडेंस लेवल सेम रहेगा ठीक है उसको उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है बी सी ए में भाई तब तक यहाँ पर रहेंगे तो क्योंकि मैंने इसके पहले जो है मैं मैंने मेरा करियर शुरू किया था इंजीनियरिंग कॉलेज से उसके बाद केंद्रीय विद्यालय में भी पढ़ाया है एक डेढ़ साल के लिए तो ये है अब जाके ये वाला दादा क्या आज वैसे डिस्कशन करो हम कर गए आई थिंक इट विल वर्क टुडे अगेन चलो लेट्स स्टार्ट जिन्होंने लाइक नहीं ठोका लाइक ठोक दो पहली बात तो ये बोलो कि देखो बात यह है ये म, कल जीते हो इवन कल दो मैच अच्छा गया है आज ये मत एक्सपेक्टेशन रखना कि आज हार जाओगे शिवराज सेवन कमेंट कर दिया चलो लाइक कर दिए तुम देखते ही नहीं आज शर्मा जी सिक्सटी थ्री प्लस मारेंगे और मुंबई हारेगी अच्छा अरे गुस्सा मत हो गुज्जर अच्छा सुनो अब जाके देखो मुंबई में मैच है ठीक है यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन कुछ है कंफ्यूजन मैं आपको बाद में बताता हूँ <coughs> आप लोगों ने स्टैड वगैरह देख लिया है तो स्टैट वगैरह दादा ओनर साला वीडियो देख <laughs> मैंने रात को विड्रॉ कर दिया था अच्छा देखो बात यह है कुछ लोगों का जो कॉम्बिनेशन रहेगा उस हिसाब से हम लोग थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं जैसे नाइन्टी परसेंट लोग जो लोग स्मॉल लीग कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे उनके पास तीन तीन विकेट कीपर होगा बटलर भाई साहब होंगे सैमसन होंगे किशन होंगे जायसवाल होंगे ये चार तो ऊपर से ले ही लेंगे वो लोग देन आपके उनके पास हार्दिक पांड्या होगा ठीक है कॉम्बिनेशन मैंने बना के नहीं रखी है बुमरा होगा चाहल मोस्ट इनिंग में चाहल लोगों के पास होंगे कोर्स ट्रेंड बोल्ट लेके चलेंगे लोग एक दो जो ऑप्शन है वो भी मैं बता देता हूं मुंबई की तरफ से कोटे लोग जो है ट्राई करेंगे एंड uh, यहाँ पे जो है एक बैट्समैन में से एक या दो बैट्समैन में से इधर रोहित शर्मा ट्राई करेंगे तिलक वर्मा ट्राई करेंगे ये और लोगों का सेफ कॉम्बिनेशन होगा रन बनते हैं नो no डाउट यहाँ पे रन बनते हैं बट इस ग्राउंड पे एक बात आप लोगों को uh, मतलब बोलना uh, चाहिए जो कि इस ग्राउंड पर uh, इनिशियल ओवर में अच्छा खासा स्विंग मिलता है तो इनिशियल ओवर में अगर बैट्समैन जो है अंडसन शॉट लगाएंगे तो वहाँ पे जो है कोलैप्स होने का चांस है इस ग्राउंड पे कोलैप्स होने का चांस है स्पेशली इनिशियल ओवर में दो तीन विकेट अगर गिर जाएगा तो कोलैप्स होने का चांस है राजस्थान की स्ट्रैटेजी सिंपल एंड क्लियर है जिस दिन राजस्थान का कोलैप्स होगा उस दिन उनका जो है ये आ जाएंगे क्या नाम है पावेल आ जाएंगे लाज से थोड़ा सा बचाने के लिए और जिस दिन मतलब पावेल की जरूरत नहीं होगी इवन राजस्थान अगर मान के चलो कि मतलब 140-50 तक अगर वो लोग देख लेंगे कि 150-155 बन जाएगा तो उस कंडीशन में भी पावेल को नहीं उतारेंगे वो लोग डायरेक्टली बर्गर को उतारेंगे ठीक है तो ये सीन है अगेन तो ये सीन है राजस्थान का अगेन मैं राजस्थान का जो है इम्पैक्ट प्लेयर है स्पेशली बोलिंग सेकेंड मैं मान के चलूंगा कि बर्गर आएंगे तो वो सोच के मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा इस ग्राउंड पे चेज़ हो जाता है हाई स्कोरिंग वेन्यू है चेज हो जाता है तो लोग बैट्समैन को ड्रॉप करने के बारे में नहीं सोचेंगे मैं थोड़ा सा जो मैंने कल भी कहा था ट्यूनिंग करूंगा बॉलिंग सेक्शन में रिस्क लूंगा एंड बॉलिंग सेक्शन को रोटेट करूंगा ये मैंने सोच के रखा है रीजन सिंपल है बोलर अगर एक विकेट लेता है तो उस बॉलर को हम लोग अगर ड्रॉप भी करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि कोई बैट्समैन अगर आके बीस रन भी बना देता है वो बीस रन इनफ है ड्रीम टीम में आने के लिए बीस रन मतलब बीस पॉइंट मान के चलो कि एक छक्का दो चौका वहाँ पे और चार पॉइंट तो चौबीस पॉइंट और वहाँ पे जो है उनका जो है आपका चार पॉइंट खेलना है अट्ठाईस पॉइंट हो जा रहा है अब एक बॉलर अगर वही <laughs> एक विकेट लेता है जो कि कैच या एल और बाकी के एक्स्ट्रा पॉइंट अगर उनको नहीं मिल रहा एल बी नहीं कैच ठीक है तो वहाँ पे उनको मिलता है टोटल सत्ताईस पॉइंट ठीक है तो ये सीन है वहाँ पे भी मतलब उनतीस पॉइंट होगा थोड़ा सा अगर पिट जाए तो सत्ताईस हो जाएगा तो वहाँ पे भी एक पॉइंट इधर उधर होगा अब यहाँ पे बैट्समैन जो है वो अगर एक आधा कैच एक्स्ट्रा पकड़ ले वही हो रहा है बैट्समैन ही कैच पकड़ रहे हैं बाउंड्री लाइन पे वही लोग हैं तो उनका जो है पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो बेटर है कि बैट्समैन को फिक्स करके आप बॉलर को रोटेट कर सकते हो अब बैट्समैन मतलब देखो टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन है उनके ऊपर आप रिस्क ले सकते हो जल से कल मैंने लिया था और एक एक करके रिस्क लेना सही रहेगा इस आई में इट्स सिंपल अब जाके जो आई नो कि कौन से प्लेयर फ्लॉप होने चाहिए ये आपका मेन क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ एक एक करके देखो प्रॉब्लम ये है दो तीन प्रॉब्लम है वो मेरे को पहले क्लियर करो हार्दिक का ठीक है नो no डाउट आज हार्दिक जो है कैप्टनसी के लिए टॉप चॉइस है नो no डाउट हार्दिक आज कैप्टनसी के लिए टॉप चॉइस है बट एक बट है हार्दिक मतलब जितने भी मुंबई वाले हो ये बताओ आप लोग बू ऐसा कितने लोग करने वाले हो हार्दिक को और मतलब बंदा आज अगर फिर भी आ, मतलब अपना कॉन्फिडेंस जो है वो अगर और मतलब रहता है उनमें तो कर जाएगा हार्दिक कोशिश करेंगे अच्छा परफॉर्म करने के लिए अब लोग कितना उनको सताएंगे उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है एंड रोहित शर्मा जो है वो भी कोशिश करेंगे कि अपने आप को जो है मुंबई का किंग कौन रोहित भाव तो ऐसा कुछ करने का वो कोशिश करेंगे ये अगर कोई दूसरा मैच होता मैं मोस्ट प्रोबेबली रोहित शर्मा को ड्रॉप कर देता रीज़न दो तीन है फर्स्ट ओपोनेंट में लेफ्ट लेफ्टार्म फास्ट बॉलर है ठीक है सेकंड शर्मा मतलब रोहित शर्मा के अगेंस्ट जो है संदीप शर्मा है संदीप शर्मा दो इंडियन लेजेंड को काफी ज्यादा तंग कर चुके हैं एक है रोहित शर्मा और दूसरे है अपना किंग कोहली ठीक है तो यह है तो यह प्रॉब्लम है वो लास्ट ओवर में करने का दादा बीस टीम का रोहित कैप्टन किया है अरे सोनू गुजर तो दोनों जो प्लेयर है दोनों जो सुपरस्टार है दोनों ही आज कुछ करने की कोशिश करेंगे वही एक प्रॉब्लम है तो नो डाउट हार्दिक को फिर भी ऑटोमेटिक पिक किया जाना चाहिए क्योंकि भाई साहब जो है बॉलिंग भी करेंगे बैटिंग भी करेंगे फील्डिंग भी कर लेते हैं एंड रोहित शर्मा का जो है इनिशियल ओवर में थोड़ा सा हमेशा ही रोहित शर्मा का जो है थोड़ा सा आई मीन प्रॉब्लम रहता है बट यहाँ पे एक बात आप लोगों को मैं कह दूँ जैसा मैंने मेरे पुराने वीडियो में भी कहा था कि इस बार रोहित को हर मैच में मोस्ट प्रॉबली स्टार्ट मिलेगा अभी तक स्टार्ट मिला है बट मुंबई जीतेगी नहीं ठीक है वो सीन है ठीक है बट रोहित को हर मैच में जो है एक स्टार्ट मिलेगा स्टार्ट मिलेगा तो अगर आप रोहित को सिर्फ टीम में रखते हो तो वो भी काफ़ी ठीक ठाक है मैं डिफरेंट टाइप ऑफ बोल देता हूं, जैसे अगर आप इनिशियल ओवर में एक्सपेक्ट कर रहे हो देखो इनिशियल ओवर में राजस्थान भी अगर पहले बैटिंग करेगी और अगर मुंबई भी बैटिंग करती है दोनों टीम का जो है अगेन ओपनर जाने के चांसेस है ओपनर जाने का चांसेस है जैसे बटलर का भी अगर आप देखोगे बटलर अगर मुंबई पहली बात तो यह है मुंबई जो है फर्स्ट ओवर किसको फर्स्ट और सेकंड ओवर किसको देती है वो एक बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीजन होगा हार्दिक भाव अगर खुद बोलेंगे कि मैं इंच कैप्टन है मैं इंच बॉलिंग करेगा ठीक है तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है जसप्रीत बुमराह का जो है सबके अगेंस्ट रिकॉर्ड जैसा अच्छा होता है अच्छा ही है स्पेशली बटलर सैमसन इन दोनों के अगेंस्ट काफ़ी बढ़िया इनका रिकॉर्ड है बटलर का जो है इस टीम के अगेंस्ट अच्छा खासा रिकॉर्ड है जयसवाल का भी अच्छा खासा रिकॉर्ड है तो टॉप ऑर्डर किसी भी बैट्समैन को आप चाहो तो कैप्टन <coughs> वाइस कैप्टन बना सकते हो एक्सक्यूज मी तो ये है बाकी यहाँ पे अगर मुंबई के बैटर बैटर को अगर देखोगे अश्विन के अगेंस्ट रोहित का तीन बार देन हार्दिक चाहल के अगेंस्ट तीन बार रोहित शर्मा संदीप शर्मा ने उनको पांच दफा आउट करके रखा है एंड संदीप को मोस्ट प्रॉब्ली वो एक ही विकेट मिलेगा अगर रोहित का विकेट वो लेके जाते हैं तो तो रोहित का आप समझ ही सकते हो ईशन किशन को जो है चाहल ने तीन बार आउट कर रखा है इसके बाद इसके बाद इसके बाद किशन को संदीप शर्मा ने दो बार आउट किया है ठीक है अब आ, रोहित कितना अटैकिंग खेलेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा बट नो no डाउट रोहित का जो है अगर बैटिंग फर्स्ट रोहित का जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि उनका अगर ओवरऑल रिकॉर्ड भी देखा जाए राजस्थान के अगेंस्ट उतना बढ़िया नहीं है तो अगर संदीप शर्मा या ट्रेंड बोल्ट या बर्गर इन तीनों को अच्छे से खेलना पड़ेगा फिर जाके जो है रोहित जो है कुछ करेंगे इवन ईशन किशन की भी सेम आ, मैं ईशान किशन के लिए मैं सेम कहूँगा इवन ईशन के किशन के सामने एक और जो प्रॉब्लम है वो है अश्विन ऑब्वियसली अश्विन अपने कोटे के चार ओवर करेंगे तो लेफ्ट हैंडर्स के सामने राजस्थान जो है अश्विन को डेफिनेटली लाएंगे तो वो एक सीन है तो जैसे जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उनके एटलीस्ट एक ओपनर के ऊपर रिस्क लेना चाहिए स्पेशली जॉर्ज मतलब अगर मेरे को पूछोगे जायसवाल के ऊपर रिस्क लेना टफ है इशन किशन जो है विकेट कीपिंग का कुछ पॉइंट दे देते हैं बट रोहित शर्मा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है बड़े बैट्समैन हैं कोई मतलब स्टैट वगैरह ग्राउंड स्टैट हेड टू हेड मैचअप कुछ भी काम नहीं करेगा अगर रोहित मूड में होंगे तो बट फिर भी रिस्क लेने वाले पिक तो वही दोनों है बैटिंग सेक्शन में क्योंकि आप बाकी किसी को ड्रॉप नहीं कर पाओगे ये है बॉलिंग सेक्शन में आपके पास काफ़ी बढ़िया एक आपको अलग ऑप्शन मैं बताऊंगा फर्स्ट मैच है यानी इस ग्राउंड पे जो है नॉर्मली मैं ज़्यादातर फास्ट बोलर्स लेके चलूँगा बट दो स्पिनर हैं जिनको मैं ट्राई करना चाहूँगा जो है एक है हमारा चाहल ये तो ऑटोमेटिक पिक है लेकिन फिर भी और दूसरा एक ऑप्शन है जो कि है पीयूष चावला आई गेस कि आप आप लोगों को किसी ने अभी तक नहीं बताई है बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि पीयूष चावला अगर आप आज पूरा ओवर करें तो दो विकेट लेके जाए पीयूष चावला बहुत ही कम सेलेक्शन है अगर आप ओवरऑल रिकॉर्ड भी देखोगे और अगर मुंबई जीतेगी उस कंडीशन में पीयूष चावला का जो है एटलीस्ट दो विकेट लेना मतलब ले सकते हैं ऐसा मेरे को लगता है इवन प्रीवियस मैचेस में इन्होंने लिया है एक है पीयूष शर्मा सॉरी uh, पीयूष शर्मा नहीं पीयूष चावला ठीक है देन uh, यहाँ पे जो क्वीना uh, जो है जो कि साउथ अफ्रीकन है, अभी अभी देखते हैं अभी देखते हैं लास्ट मैच में तो बहुत मार पड़ी थी लेकिन वो तो मतलब रोड जैसा पिच था बट अगेन रेन पराग रेन पराग मैं ड्रॉप करके चलूँगा लास्ट मैच में उनकी माता जी वहां पर आई थी तो रेन पराग वाला वो वाला एक्सप्रेशन हम लोगों ने नहीं देखा थोड़ा साभल के खेल रहे हैं लेकिन फिर भी मैं रियान पराग को जो है अस्सी परसेंट सिलेक्शन है मैं ड्रॉप करके चलूंगा कुछ भी हो जाए रियान पराग मैं ड्रॉप करके चलूंगा कुछ भी हो जाए ठीक है अच्छा एक और बोलर है अगेन दो बोलर है जो एक है आवेश खान रिजन आवेश खान का जो बोलिंग आवेश खान जहां पे बोलिंग करने आ रहे हैं वहां पे इनको विकेट मिलने के चांसेस है एंड इनका रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है आवेज़ खान जहाँ पे बॉलिंग कर रहे हैं इवन डेथ में ये तो uh, मतलब दो दो ओवर इनको मिल मिल रहा है तो वहाँ पे इनका जो है विकेट मिलने के चांसेस है देन आपके पास है एन बरगद जो कि मैंने uh, बहुत बार कहा है एंड दोनों बार मैंने सजेस्ट किया था एंड दोनों बार ये ड्रीम टीम में आए थे ठीक है अच्छा नाइन आज क्या मतलब वो चार शंखा देखने को मिलेगी देखते हैं नाइन देन आपके पास है अगेन आ, वही मैं कहूंगा कि बैट्समैन को आप इंटैक्ट रखो एक आधा रोटेट करो एंड बोलिंग सेक्शन में आप रिस्क ले लो जैसा कल हम लोगों ने लिया था कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए जैसे हार्दिक पांड्या को अरे थैंक यू थैंक यू जो भी आज ज्वाइन किए हो थैंक यू आज हार्दिक पांड्या का जो सीन है अगर हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस डिपेंड कर रहा है मुंबई के आ, दर्शक के ऊपर कि कितना चिढ़ाएंगे इनको ठीक है और ये वो बंदा है जिनको अगर चिढ़ाया जाए तो परफॉर्म नहीं करेंगे सॉरी हार्दिक के फैन बट आई गेस कि हार्दिक के फैन भी हार्दिक के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा खुश नहीं है <laughs> तो हार्दिक का जो सीन है भाई बॉलिंग कर रहे हैं बैटिंग से भी इनका जो है ओपोनेंट के अगेंस्ट बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड है तो टॉप चॉइस कैप्टनसी के लिए हार्दिक पांड्या है नो डाउट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सत्तर पचहत्तर पॉइंट ये दे पाएंगे अगर ये पूरा ओवर बॉलिंग करें एंड अगर मुंबई अगर पहले बैटिंग करें नो no डाउट हार्दिक uh, कैप्टन ही है ठीक है तो ये है देन uh, अगेन संदीप शर्मा जो है अगर आप ले रहे हो अब मान के चलो कि शर्मा का रोहित शर्मा या आई मीन ईशन किशन का जो है विकेट लेके जाएंगे तो वहां पे आप जाके जो है रिस्क ले सकते हो बाकी यही है टीम डेविड मैं ट्राई नहीं करना चाहता आई नो मतलब जहाँ पे ये आ रहे हैं यहाँ पे ये आके अगर बीस बॉल में पचास मार भी जाए तब भी मैं नहीं लेना चाहूँगा अगर कोलैप्स करा रहा हूँ तो अलग बात है लेकिन नहीं तो नहीं अच्छा ध्रुव जुरेल का जो सीन है अगेन ध्रुव जुरेल का अगर आपको लग रहा है कि राजस्थान का टॉप ऑर्डर मतलब पूरा खत्म तो उस कंडीशन में ठीक है नहीं तो नहीं तो हार्दिक पांड्या के अलावा जो अच्छे ऑप्शन है कैप्टनसी के लिए नो no डाउट यस yes, जायसवाल जायसवाल का एक लंबी पारी जो है वो आने वाली है बहुत ही जल्द सैमसन का जो है इनिशियल मैच में ये चलते हैं फर्स्ट मैच चले थे सेकेंड मैच नहीं चले थे इस मैच में अगर मैं रख रहा हूँ बट कैप्टन नहीं बना रहा हूँ रख रहा हूँ इसीलिए क्योंकि विकेट कीपिंग का पॉइंट दे रहे हैं तो 20 पॉइंट विकेट कीपिंग का 20 पॉइंट बैटिंग से तो ड्रीम टीम तो वही रीजन है सैमसन को रख रहा रखना बट मुझे नहीं लगता है कि सैमसन आज बहुत ज़्यादा पॉइंट देंगे कैप्टनसी वाला पॉइंट देंगे ऐसा मेरे को टॉप टू पॉइंट मतलब पॉइंट चार्ट में टॉप टू में ये नहीं होंगे टॉप फाइव में हो सकते हैं बट टॉप टू में होने के चांसेस कम है अगेन जॉर्ज बटलर अगर आपके कॉम्बिनेशन में है कैप्टन वाइस कैप्टन बनाओ नहीं तो ड्रॉप कर दो तो टॉप थ्री वही जॉर्ज बटलर जयसवाल हार्दिक पांड्या इसके बाद है जसप्रीत बुमराह दोनों कंडीशन में जसप्रीत बुमराह ट्राइबल ऑप्शन है अगर आपको लगता है कि रोहित शर्मा जो है आज मतलब मुंबई वालों को बो, बोलेंगे कि मुंबई का किंग कौन रोहित शर्मा ठीक है तो वहाँ पे आप रोहित शर्मा को कैप्टन बना सकते हो बट मेरा वही सजेशन है दो प्लेयर ऐसे हैं जिनको अगर आप अपने कॉम्बिनेशन में रख रहे हो तो सी करो नहीं तो ड्रॉप कर दो नंबर वन रोहित शर्मा नंबर टू जो है जॉर्ज बटलर एंड देन कुछ और जो है जैसे आवेश खान का मैंने बताया अच्छा खासा ऑप्शन है तो ये सीन है ज़्यादातर जो है फास्ट बॉलर को बैक करेंगे एंड थोड़ा सा मतलब तीन तीन विकेट कीपर नहीं लेंगे ग्रैंड लीग में दो ही विकेट कीपर लेंगे इवन कुछ कॉम्बिनेशन में एक विकेट लेंगे एंड वही बैटिंग सेक्शन से अगर मेरे से पूछोगे मैं तो कहूँगा कि तिलक वर्मा जयसवाल ये दोनों जो है मस्ट पिक है हर टीम में होने चाहिए एंड बाकी विकेट कीपिंग सेक्शन से जो है थोड़ा सा करना पड़ेगा तो ये सीन है बाकी आर सेफर्ड लास्ट मैच जो सब्सिट्यूड आए थे क्या हम लोग इस मैच में देखेंगे आर सेफर्ड नॉर्मली इनिशियल जिस मैच में आई मीन आते हैं वहाँ पे एक दो विकेट लेके जाते हैं और बैटिंग अच्छा कर लेते हैं एंड यहाँ पे एक और बात जो है एन धीर एन धीर जो है एन धीर का एन धीर बहुत बढ़िया पोजिशन पर आ रहे हैं एन धीर बहुत बढ़िया पोजिशन पर आ रहे हैं इवन एन धीर से आप आज अगर अगर जयसु जसवाल जै अगर टिक गए तो इन धीर से आप एक ओवर बोलिंग भी शायद देख सकते हो रिस्की ड्रॉप नो डाउट नो डाउट रेन पराग अस्सी परसेंट सलेक्शन है मोस्ट uh, प्रॉब्ली आज नहीं चलेंगे मैं रेयन पराग को ड्रॉप करके ही चलूँगा कुछ भी हो जाए मैं हार जाऊँ कोई प्रॉब्लम नहीं है रेान पराग पीयूष शर्मा की याद आई आपको बहुत दिनों बाद अरे नहीं पीयूष से बात होती है ना ऑलमोस्ट uh, 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 बात होती है हमारी बात होती है पीयूष के साथ भाई बड़े लोग हैं जो लोग टीवी पे आते हैं वो उस नाम जानते हैं ये काफ़ी नहीं है नहीं नमनधीर को कैप्टन मैं नहीं बनाऊंगा मैं मैं अच्छे प्लेयर मतलब जो आ, देखो पांडिया के ऊपर मुझे डाउट यही हो रहा है कि मुंबई के दर्शक के ऊपर हो रहा है कि वो लोग इनका मतलब कैसे ले आई I मीन mean, लेने वाले हैं हार्दिक के कितना लेंगे उनके उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हार्दिक जो है कितना परफॉर्म करेंगे एंड रोहित शर्मा का जो है रोहित शर्मा का वो जो मतलब मेरे को कुछ करके दिखाने का है ये वाला सोच अगर आ गया तो वहाँ वो दो जगह पे जो है प्रॉब्लम है ठीक है अगर कोई दूसरा मैच होता मैं रिस्क ले लेता आ, रोहित को शायद मैं ज्यादातर कॉम्बिनेशन से ड्रॉप कर देता बट आज के मैच में नहीं कर पा रहा हूं मेरे को लग रहा है कि रोहित को स्टार्ट मिलेगा तिलकवा जो है वो ऑटोमेटिक पिक है रखो देखो मैक्सिमम बोलर पांच मैंने जो कॉम्बिनेशन बना के रखी है नौ कॉम्बिनेशन बना के रखी है मैंने और वहां पे जो है पांच बोलर्स है हर एक कॉम्बिनेशन में पांच बोलर एक्सक्यूज मी ठीक है तो ज्यादातर फास्ट बुलर्ट है स्पिनर है एक या दो स्पिनर है एसएल के लिए भाई एसएल लोग लोग जो है एसएल में सेफ कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे भाई आप एसएल में अगर सेफ कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहते हो तो जाओ आपको बता ही देते हैं ठीक है एसएल में आप आ, तीन विकेट कीपर के साथ जाओ ठीक है यश yes, जायसवाल तिलक वर्मा रोहित शर्मा के साथ जाओ हार्दिक पांड्या के साथ जाओ ट्रेंट बोल्ट बुमराह कोटे के साथ जाओ एंड एक जो ऑप्शन है जैसे चाह बोलिंग सेकेंड चाह ले लो बॉलिंग फर्स्ट या मतलब अगर रिस्क या तो आवेश खान को ट्राई कर सकते हो बॉलिंग फर्स्ट ब्रेविस 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 का प्लेइंग एलेवन देखने के बाद मैं डिसीजन लूंगा बट इस इस पिच पे ब्रेविस का चलने का अगे चांस है लोग लाइक नहीं कर रहे हैं श्राप दे दो भाई मेरे तरफ से आप लोग श्राप दे दो भाई कितने लाइक हुआ है अगर देखते हैं आज आज लाइक चेक नहीं किए मेरे को पता था कि आज लोग आएंगे एंड जिन्हों जिनका कल फायदा हुआ है वो अरे यार एक हज़ार के ऊपर देख रहे हो अभी तक लाइक नहीं किए भाई सच में यार तुम्हारा नाम जिस दिन एक करोड़ जीतोगे उस दिन साला सौ बंदे आ जाएंगे वहाँ पे थ्री मेंबर भी स्प्लिट हो जाएगा कर दो मदद यार मेरे को लगा एक हजार पार कर दिए एक हजार यहाँ पे दिख रहा है देखो आप जाके देखो आपको कुछ बताते बताते हैं लाइक मेरे से अगर पूछोगे ट्रेंड बोल को ट्रेंड बोल को अगर मैं रखूँगा तो मैं रोहित या आ, ट्रेंड बोल या क्या नाम है या संदीप शर्मा इनको अगर रखूँगा मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि ये लोग ओपनर का विकेट लेंगे ठीक है तो मैं उस कंडीशन में इधर ईशन किशन को ड्रॉप करूँगा नहीं तो रोहित शर्मा को ड्रॉप करूंगा अगर ड्रॉप नहीं ड्रॉप उस कंडीशन में बनता है क्योंकि राजस्थान जो है दो लेफ़्ट से शुरू करेंगी उसके बाद मतलब संदीप शर्मा लेफ्ट आर्नमर दोनों जगह वो शुरू होगा और वहाँ पे जो है उनको विकेट मिलने के चांसेस है स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट ठीक है स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट चेजिंग इस ग्राउंड पे अच्छा होता है तो वो याद रखिएगा और राजस्थान का ऐसा नहीं है कि राजस्थान आसानी मतलब मुंबई आसानी से राजस्थान को हरा देगी राजस्थान और मुंबई का जो हेड टू हेड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है राजस्थान पीछे नहीं है नंबर वन इस ग्राउंड पे भी राजस्थान जीती है बट मुंबई के ग्राउंड पे मुंबई फेवरेट है बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है देखो धीर का जो सीन है मेरे पास बाकी ऑप्शन है तो मैं नहीं ले पा रहा हूं अगर आपको लगता है कि धीर जो है अच्छा खासा करेंगे आप ले सकते हो बट लास्ट uh, कुछ मैच अच्छा से देख रहे हैं कि जो नामी बोलर हैं उन उन्हीं को विकेट नहीं मिल रहा है 810 200 200 कर दो यार सचिन uh, सलदूर दादा फायदा हो या ना हो पर आपके लाइव में आता रहूँगा और तीन बार लाइक करूँगा थैंक यू भाई राजेंद्र कुमार भेंट बिग मैच थैंक यू भाई तो दादा कौन सा से सेक्शन में कितना प्लेयर लेना है देखो मेरे मेरे हिसाब से विकेट कीपर दो ही लेना चाहिए इस मैच में मेरे हिसाब से विकेट कीपर ग्रैंड लीग के लिए दो ही लेना चाहिए ठीक है एंड वो मैं किसी एक को ड्रॉप करूँगा मेरे को मेरे को ये विकेट देखो बटलर का रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया है बट सब कुछ रिकॉर्ड के ऊपर नहीं होता है नंबर वन और बटलर लास्ट दो मैच बटलर नॉर्मली बैटिंग फर्स्ट जो है अच्छा करते हैं और इनिशियल मैचेस में बट बैटिंग सेकेंड बटलर का रिकॉर्ड उतना भी खास नहीं है अब बटलर का जो है इस टीम के अगेंस्ट बटलर ने रन मारे हैं जैसवाल का भी एक हंड्रेड है अच्छा बाकी यहाँ पे जो है ईशन किशन ने भी ईशन किशन ने भी परफॉर्म किया है बट रोहित शर्मा का जो है इस टीम के अगेंस्ट रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा घटिया है बहुत ही ज़्यादा घटिया है ठीक है राजस्थान के अगेंस्ट और राजस्थान के मतलब कुछ बोलर के साथ अगर मैचअप देखो वहां पर प्रॉब्लम है अगेन राजस्थान के बैटर्स में से जॉर्ज बटलर का जो है वहां पर मैचअप भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है ठीक है तो वो एक है योगेंद्र बराला गांगुली का मुझे डेली दो कॉल आते हैं भाई सौरभ गांगुली एज अ क्रिकेटर नो डाउट आई मीन वन ऑफ़ द फाइनेस्ट बैटर ऑफ आवर कंट्री है सौरभ गांगुली एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कुछ नहीं कहना चाहूँगा सौरभ गांगुली एज uh, अ बिजनेस मैन कुछ नहीं कहना चाहूँगा आप में से कितने लोगों को पता है कि सौरभ गांगुली जो है एक स्टील स्टील फैक्ट्री चलाते हैं मतलब दो यूनिट ऑलरेडी है उनका छोटा छोटा है बट दो यूनिट है तो जो बंगाल के लोग हैं उनको तो पता होगा और वो भी हाल ही में हम लोगों को पता हम लोगों को जो है पता चला देखो अश्विन अन्ना का क्या है अश्विन अन्ना को एक विकेट अश्विन अन्ना का बहुत ही ज़्यादा चांस है कि ड्रीम टीम में आए रीज़न दो है एक मुंबई के पास लेफ्ट हैंडर्स है तो एक विकेट एक्सपेक्ट कर सकते हो अश्विन अन्ना से एंड अश्विन अन्ना को जो है राजस्थान का अगर बैटिंग कोलैप्स होती है तो अश्विन अन्ना को ऊपर भेजा जाएगा इस ग्राउंड पे चेज होता है इस ग्राउंड पे चेज होता है अच्छा बाई वे मेरे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर है अच्छा मिश्रा मिश्रा तेरे साथ बात नहीं की है आई I मीन mean, बहुत पहले तेरा मैसेज देखा था तेरे को क्या लगता है मतलब मैच को लेकर रोहित चलेगा या नहीं एंड एंड यहाँ पे जो है मैचअप कितना इफेक्टिव रहेगा अच्छा नंबर वन मिश्रा एंड वो आए हो आ, क्या नाम है अभी आए हो देखो स्पिनर फ्रैंकली स्पीकिंग स्पिनर जो है यार जिन्होंने लाइक नहीं ठोका प्लीज लाइक ठोक दो मतलब एक साथ बहुत सारे लोग देख रहे हैं ये सच है बट उस साहब से तो टोटल व्यू कम है और टोटल लाइक भी कम है अब की बार हजार पार कर दो नो रिटर्न कॉम्बिनेशन सुल्तान साहब बताएंगे लास्ट में बताएंगे देखते हैं मिश्रा यहां पे आया है मिश्रा अभी तक है या नहीं विशाल गोस्वामी भाई इस बार संदीप को ओवर नहीं मिलेगा स्टार्टिंग में संजू उसको डेथ में यूज कर रहा है नहीं मतलब संजू को पता है कि रोहित अगर टिक गया तो क्या कर सकता है तांडव मचा सकता है दादा आपकी कभी अनुराग द्विवेदी से बात होती है हाँ जी हुई थी होती है अनुराग से बात होती है मतलब जानते हैं हम लोग एक दूसरे को जानते हैं नहीं नहीं जब भी आई मीन I mean, प्रदुल भटर्या चाहल और अश्विन को मैं इस मैच में भी नहीं बनाना चाहता बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोरिंग ग्राउंड है बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोरिंग ग्राउंड है आ, तो बैटर को ही मैं कैप्टन बनाना चाहूँगा या हार्दिक को आज रोहित और ईशान किशन फ्लॉप होना चाहिए हार्दिक को ट्रोल करना है और रोहित को कैप्टनसी वापस मिलना है सुना है बुम अच्छा देखो कोई कोई भी किसी भी एप्लीकेशन में टी नहीं लग रहा है ऐसा हो नहीं सकता टी लग रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है वो लोग खुद से वो टी पे कर रहे हैं और कुछ नहीं मतलब आप लोगों को जो अमाउंट दिखाया जा रहा है उसके ऊपर टी कैलकुलेट करके वो लोग मतलब कर दे रहे हैं भाई मैं जीएल प्लेयर हूँ बाकी सब एसएल प्लेयर हैं आप कोलैब नहीं करते हो कोलैब मतलब कोलैब अभी तक नहीं किया है कोई मतलब उस हिसाब से अप्रोच नहीं किया है किए थे एक एक दो किए थे एक दो बार किए थे एक मतलब एक बिल्कुल नहीं किया था ऐसा नहीं है मेरा ही एक सब्सक्राइबर है अभी वो लाइव में है या नहीं आई डोंट नो जो है उनका नाम है मोइन मोइन भाई के चैनल पे एक बार गए थे बैटिंग फर्स्ट रोहित ड्रॉप एंड धीर को लेंगे अच्छा आवेज ऑटोमेटिक पिक है संदीप बोल फर्स्ट पराग ड्रॉप हेडमेयर बैटिंग फर्स्ट थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ एंड हार्दिक को ओनली एज अ प्लेयर रखूंगा अच्छा चलो सही है मतलब रोहित का मैं भी सोच रहा हूँ बैटिंग फर्स्ट मैं रिस्क ले लूँ रोहित के ऊपर एंड धीर 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 को श्योर नहीं हूँ धीर कितना पॉइंट देगा मतलब बोलिंग कितना करेगा एंड श्योर नहीं हूँ बट लेना तो पड़ेगा किसी ना किसी को तो लेना पड़ेगा आवेज ऑटोमेटिक पिक है नो डाउट आवेज ऑटोमेटिक पिक है बहुत बढ़िया पोजिशन पे बोलिंग कर रहा है <coughs> संदीप बोल फर्स्ट संदीप से कितना विकेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक ठीक है बट दो मिलने का चांस थोड़ा सा कम है पराग मैं भी ड्रॉप करूंगा हिट मेयर अच्छा हिट मेयर अच्छा चलो सही है जिन्होंने लाइक नहीं ठोका प्लीज लाइक ठोक दो देखो कैप्टन कैप्टन नो डाउट बैटर एंड बैटर बैटिंग सेक्शन से बेटर है मतलब यस uh, जसवाल yes, yes, well, उनका भी होम ग्राउंड है ठीक है यस yes, जो है इस uh, ग्राउंड yes, पे शायद सेंचुरी भी मारी है उन्होंने एंड यश uh, yes, एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है हार्दिक पांड्या सेकंड बेस्ट ऑप्शन है देन आपके पास है जसप्रीत बुमराह एक अच्छा खासा ऑप्शन है बटलर या रोहित वाह अगर आपके कॉम्बिनेशन में है सीपीबी से नहीं तो ड्रॉप अच्छा मिश्रा मेरे को संजू के बारे में बताओ कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो और कितना पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहे हो भूषण चक्र चक्रधारी भाई डिपेंड करता है मैं कभी कभी एक टीम से भी खेल लेता हूं कभी कभी बीस लास्ट ईयर एक टाइम पे चालीस टीम के साथ खेलता था अब लोग बोलेंगे कैसे चालीस टीम मेरे अकाउंट से बीस टीम बीवी के अकाउंट से बीवी नहीं भाई के अकाउंट से शायद खेलता था टीम सिंह का जयसवाल धीर पांड्या बोल्ड सैमसंग बुमरा तिलक फिक्स प्लेयर अच्छा राज चौधरी यही वाला दिखा यार इसी में अमर तांबे फोर्टी सेवन पॉइंट बटलर और जसवाल और सैमसंग कौन चलेगा बटलर जसवाल जसवाल मैं रखूंगा बासु पटेल जसवाल मैं रखूंगा बटलर सैमसंग में से बटलर का रिकॉर्ड बढ़िया है बैटिंग फर्स्ट बटलर को रखेंगे बैटिंग सेकंड सैम बैटिंग सेकंड सैमसंग को लेके इस मैच में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ एम वो जो क्या नाम है यार रुको उसका नाम देख लेते हैं नहीं तो यहाँ पे ये साला मिश्रा फिर से मेरा मेरी जो है टांग खिंचाई करेगा क्वीना क्वीना को जो है मैं ड्रॉप करना ही चाहूंगा मनीष देशमुख भाई मैं नॉर्मल फैंटेसी खेलना प्रेफर करता हूँ आप लोग मेरे को सपोर्ट करते हो नॉर्मल फैंटेसी के लिए तो नॉर्मल फैंटेसी चाहिए सही चेजिंग में रखूंगा सैमसन को लास्ट मैच में मैंने ड्रॉप किया और सैमसन पंद्रह रन मार के ड्रीम टीम आ गया था वही 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 प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम है सैमसन का प्रॉब्लम सैमसन का जो प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम है सला विकेट कीपिंग का पॉइंट देखे जो है ड्रीम टीम का हिस्सा बन जा रहा है दादा एक यूट्यूबर है नॉट शेयर आप कितना जानते हो आप और वनर्जी मैथमेटिक्स क्रिकेट एडवाइस कोलैब हो सकता है कोई भी अप्रोच करे कोई भी यूट्यूबर अप्रोच करे ठीक है अगर वो मतलब पेड टीम देने वाला नहीं होगा तो मैं कर लूँगा कोई भी कोई भी यूट्यूबर छोटा बड़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई यूट्यूबर अगर अगर छोटा यूट्यूबर है अगर मतलब मेरे से कम जो है सब्सक्राइबर है अगर उसको लगता है कि मैं मेरे वजह से उसको कुछ हेल्प मिल सकता है तो मैं जरूर करना चाहूंगा ईशान किशन हाँ ईशान किशन आप देखो आप चेजिंग टाइम पे चेजिंग टाइम पे आप ना ईशान किशन को ड्रॉप कर पाओगे ना आप रोहित शर्मा को ड्रॉप कर पाओगे प्रॉब्लम यहाँ पे है <coughs> जीएल का एक विकेट कीपर कौन है देखो राजस्थान अगर सेकंड बैटिंग करेगी मैं मोस्ट प्रोबेबली जॉर्ज बटलर के ऊपर रिस्क ले लूंगा क्योंकि जॉर्ज बटलर का जो है चेजिंग में उतना खास रिकॉर्ड नहीं है और अभी जो है लास्ट दो मैच में जॉर्ज बटलर का वो वाला सीन नहीं दिखा है तो वहां पे मेरे पास है एक ही ऑप्शन सात ड्रीम टीम के नहीं देखो सात ड्रीम टीम के प्लेयर जो है आप अगर लगाना चाहते हो आंख बंद करके लगाओ लग जाएगा ठीक है देखो इसके व्हाट अबाउट एन देखो एंथुसारा जिसकी जगह पे खेलेंगे ठीक है जो भी हम लोगों ने मैं भी अरे अरे आपको तो आप खुद का थोबड़ा तो दिखाओ साला थोबड़ा दिखाओगे तो लड़कियां एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लेगी ठीक है और मैं बता दूंगा ये बंदा अभी भी, भी शादीशुदा नहीं है लेकिन आप तो खुद थोबड़ा भी नहीं दिखाते हो हाँ मतलब थंबनेल में दिखा रहे हो वीडियो में अपना चेहरा दिखा दो आपको तो मतलब वही ब्रीफ पहन के जो है वो वीडियो बनाने चाहिए इतने ही बॉडी सॉडी का क्या फायदा फिर अरे मिश्रा जब भी बोले मिश्रा मिश्रा मेरे चैनल के लोगों को लोग मिश्रा को जानते हैं फैंटासी क्रिकेट पिक जो है देखो आज फर्स्ट मैच है तो कहना टफ है कि कितने विकेट गिरेंगे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि रन बने एक्सपेक्ट कर रहा हूं रन बने मैं रियान पराग को ड्रॉप कर दूंगा अगर आपका दिल बोल रहा है तो ले सकते हो देखो जो कॉम्बिनेशन मैंने बताई हुई है यहाँ पे थूसारा जिसकी भी जगह पे खेलेंगे अगर आपका दिल बोल रहा है तो आप उसकी जगह पे डायरेक्टली ले सकते हो बट अगेन फास्ट एंड बैटर्स के ऊपर मैं भरोसा करूंगा एंड बैटर में से ही जो है कैप्टन वाइस कैप्टन करने की कोशिश करूंगा ऊपर जो वो सेक्शन होगा बैटिंग एंड बैटर विकेट कीपर वहां पे बोल्ड को रख रहे हो सीधी सी बात है बोल्ड को रख रहे हो तो रोहित शर्मा या ईशन किशन में से किसी एक को ड्रॉप आपको करना ही पड़ेगा ठीक है इवन बर्गर भी वही सीन है बर्गर बोलिंग फर्स्ट सबको तो नहीं ले सकते बोल्ट और बर्गर में से किसी एक को ही लेंगे लाइक पार हो गया थैंक यू थैंक यू जिन्होंने लाइक थंबनेल में गजब का बना रखा है भाई साहब अच्छा बोल्ड का क्या करे दादा ठोकरा के मेरा प्यार वाला सिन हाँ 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 आई नो आई नो आई नो बोल्ड बोल्ड मैं इसीलिए इसीलिए रोहित या ईशन किसी एक को ड्रॉप करके बोल्ट को रखने की कोशिश करूंगा बोल्ट को विकेट मिलेगा हमें मतलब एक एक विकेट ही सही मिलना चाहिए बोल्ट को जिन्होंने भी लाइक किया है थैंक यू जो भी आज लाइव ज्वाइन किया सभी को थैंक यू एंड आज अगेन आज फर्स्ट मैच जो है इस मैच में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम रखिये क्योंकि मुंबई के दो जो दर्शक है उनको देखना पड़ेगा पंसूर्या निकुंज कोयडजे देखो मैम मैं स्पिनर को जो है ड्रॉप कर रहा हूँ ज्यादातर जो स्पिनर को ड्रॉप कर रहा हूँ सारा अगर खेलेंगे तो मोस्ट मोस्टली की जगह पर ही खेलेंगे हरिओम कुमार लव फ्रॉम इंडियन आर्मी थैंक यू ब्रदर थैंक यू अच्छा नहीं चल रहा आई पी एल अच्छा बुरा का रेशमा जैसवॉल ड्रॉप करेंगे अगर ऊड खेलता है तो रेशमा का कहना है रेशमा भाई कभी अच्छा मतलब अच्छी प्लेयर है जसवाल को वो ड्रॉप करना चाहते हैं अगर वुड खेलता है तो अच्छा देखो आवेश खान को आवेश खान जहाँ पे बॉलिंग करने आ रहा है ना जीवानी भाई तुसारा को कैप्टन करेंगे अच्छा देखो आवेश खान जहाँ पे बॉलिंग करने आ रहा है वहाँ से उनको विकेट मिलना बहुत ज़्यादा आसान है बट क्या 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 अवेस को मुंबई के बैटर का विकेट मिलेगा प्रथम है का चारों नहीं भाई चारों ओपनर ड्रॉप मत करो इतना भी मतलब रिस्क मत लो हाई स्कोरिंग ग्राउंड है अगर लो स्कोरिंग ग्राउंड होता तो मैं बोलता कि हाँ चलो कर लो बट बहुत ही ज्यादा हाई स्कोरिंग अच्छा कुछ लोगों ने एक आई uh, मीन I mean, एक 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 लास्ट एक ताइप का मतलब देखो सेफ कॉम्बिनेशन रिपीट करके फायदा नहीं है कुछ लोग जो है, me, in the, in हरवाने वाले कॉम्बिनेशन में जो है एक विकेट कीपर अपने हिसाब से रखो ठीक है तिलक वर्मा जसवाल दोनों को अपने कॉम्बिनेशन में रखो हार्दिक पांड्या अश्विन को अपने कॉम्बिनेशन में रखो बुमरा ट्रेंड बोल को चावला ठीक है बाकी दो है लाइक अबेज खान बोलिंग फर्स्ट और एक बोलर वो अपने हिसाब से रखो ये एक कॉम्बिनेशन है जो कि हरवाने वाला कॉम्बिनेशन है अभी जो एक कॉम्बिनेशन मैंने रिपीट किया जिन्होंने नहीं सुना वो एक बार पीछे जाके सुन लो ये एक हरवा हरवाने वाला कॉम्बिनेशन है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग ग्राउंड है और यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया वहां पे कैप्टन वाइस कैप्टन वही बैटर बैटर एन हार्दिक ठीक है क्योंकि इस मैच में ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत ही कम लोग बनाएंगे तो चलो आज के लिए इतना रखते हैं फिर मिलते हैं ठीक है कल 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 देखते हैं वीडियो आएगी या लाइव करेंगे कल बता देंगे फर्स्ट मैच देखना है भाई मैच का मजा लो मुंबई के दर्शक के मजा लो आज ठीक है आज कैसा मुंबई के दर्शक कैसे करते हैं आज मैच किसने बोला आज राजस्थान भरना मुंबई मैच है आज मुंबई मुंबई के आवाम मुंबई के जो फैन वर्सेस हार्दिक पांड्या मैच है ठीक है तो इस मैच में कौन जीतेगा मुंबई के फैंस या हार्दिक पांड्या चलो वो देखते हैं एक ब्रेक के बाद मतलब कल देखते हैं हमाम शाहदराज वाज और ऑफ द नाइस लुक थैंक यू ठीक है तो ये सीन है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए वही मतलब तो चलो आज यहां तक रखते हैं थैंक यू थैंक यू गाइस कीप सपोर्टिंग कीप सजेस्टिंग लव यू ऑल थैंक यू आज यहां तक